नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण सतना के स्मार्ट सिटी का स्वरूप जो दिखाया गया था उस हिसाब से नहीं बन रहा है। पुराने मानचित्र के हिसाब से लग रहा था कि सतना स्मार्ट बनेगा, लेकिन जिस तरीके का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है उसे देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि सतना सिर्फ और सिर्फ कागजों में स्मार्ट हो रहा है। जमीनी हकीकत कहीं इसके उल्टी है। स्मार्ट सिटी का जो नक्शा दिखाया गया था उसके हिसाब से स्मार्ट सिटी का निर्माण नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है वह नक्शे से मेल नहीं खाता। सतना जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों को इस मामले में बात उठानी चाहिए। आखिरकार जो नक्शा बनाया गया था उसके हिसाब से इस बार स्मार्ट सिटी का निर्माण क्यों नहीं हो रहा? यदि नक्शा बदला गया तो किसकी सहमति से बदला गया? वैसे भी विकास के मामले में सतना रीवा से पिछड़ता जा रहा है, जबकि रीवा स्मार्ट सिटी घोषित नहीं है। लेकिन आज भी रीवा की सुंदरता देखकर उसे कोई भी सतना की तुलना में न सिर्फ स्मार्ट कहेगा बल्कि स्मार्ट से भी ऊपर कोई परिभाषा हो सकती है तो वही संबोधन देगा। वहीं सतना शहर को स्मार्ट घोषित किया गया है, लेकिन कोई भी अंधा व्यक्ति भी इस शहर को स्मार्ट तो नहीं कह सकता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सत्तारूढ़ दल के नेताओं के निष्क्रियता के चलते अधिकारी पूरी तरह से अपनी मनमानी पर उतारू हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सतना शहर को कागजों में स्मार्ट बना रहे हैं। हालांकि इस तरीके का दर्द सतना के सांसद गणेश सिंह भी सार्वजनिक तौर पर बयां कर चुके हैं, लेकिन उनके इस बयान से ऐसा लगता है कि अधिकारी उनको भी गुमराह कर रहे हैं। खबरें आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आके जरूर लिखें और विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।